أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرس وتحرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولانة الدائمة الباقية على عدائهم ومنكر فضائلهم وغاسب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى خير الزاد وبحل المعاد وتنفع يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم حيث قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أَهْيَاهُمْ بل احياء ان ربهم يرزقون صدق الله العلي العظيم میرے محترم سامعین مومنین کرام اللہ رب العالمين کی ارشاد ہوتا ہے قران مجید میں وہ لوگ جو راہ قتل کر دیئے گئے उन्हें मुर्दा मत समझना बल्कि वो ज़िंदा है और अल्लाह की तरफ से उन्हें रोज़ी दी जाती है वो रोज़ी पाते हैं और यही ज़िंदगी की पहचान भी है आप जानते हैं मुर्दा नहीं खाता किसी मुर्दे को आप कुछ खिला सकते हैं नहीं खिला सकते तो अल्लाह जब कह रहा है तो अल्लाह तो झूठ नहीं बोलता अल्लाह कह रहा है वो अल्लाह की तरफ से रोजी पाते हैं उन्हें रिस्क मिलता है और रिस्क उसी को मिलता है जो से मुस्तफ़ होता है हमें जो रोज़ी अल्लाह दे रहे हैं, हम खा रहे हैं तो उनको भी अल्लाह रोज़ी दे रहे हैं तो वो खा रहे होंगे और खाने वाला मुर्दा नहीं होता है जिंदा होता है इसी हम जो शहीदों की जियारत के लिए जाते हैं उन्हें ज़िंदा समझ के जाते हैं मुर्दा समझ के नहीं जाते हैं कोई मुर्दा आदमी से मिलना नहीं जाता है हम जियारत में यही पढ़ते हैं अशद का तस्म साम और तस्म कलाम और जवाब आप हमारे सलाम को सुनते हैं कलाम को सुनते हैं और जवाब देते हैं यह हमारी आँखें हैं कान है जिन पर मादी पद पर्दे पड़े हुए हैं शायद हम उन्हें सुन नहीं पाते देख नहीं पाते लेकिन वो हमें देखते हैं वो हमें सुनते हैं कोई शक नहीं है लिहाजा शहीदों की याद मनाना बाजौवत मुसलिमा के ना अहल या अदम मारफत रखने वाले जिनके पास मारफत नहीं इल्म नहीं वो कहते हैं कि आप शहीदों के लिए आहोजारी क्यों करते हैं शहीदों के लिए क्यों रोते हैं शहीद तो जिंदा है कुरान कहता है शहीद जिंदा है आप जिंदा के लिए क्यों रोते हैं तो मैं उनसे यह कहना चाहता हूं जिंदा के लिए रोना भी सुन्नत नबी है आज मैं एक मिसाल देकर समझा फिर आपको नबियों की बात बताता हूं आज जब आपका बच्चा परदेश जाता है तो वेदा करते हुए आप अप्रोते हैं कि नहीं हो रोते हैं आपका बच्चा जिंदा है या मिसाल के तौर पर आपको खबर दी गई अचानक आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया ना करे कुछ हादसा हो गया फौरन मां बहने रोना शुरू करती कि नहीं रोना शुरू करती है जबकि बच्चा जिंदा है इस तरह बहुत सारे मौाक ऐसे होते हैं जब हम मोहब्बत में रोते हैं फिराक में रोते हैं जनाब ईसा नबी आसमान में उठा लिए गए उनके कौम के बारे में मिलता है कि चालीस साल तक वो रोते रहे क्यों जबकि वो जानते कि जनाब ईसा जिंदा हैं ये फिराक में रोते हैं जनाब यूसुफ जनाबी याकूब नहीं जानते थे कि मेरा बेटा जिंदा है नबी जानते थे फिर भी जनाब यूसुफ के लिए जनाब याकूब इतना रोए कि उनकी आंखें सफ़ेद हो गई थी कुरान उठा के देखिए सुबह यूसुफ उठा के देखिए तो क्या खुदा ना खास्ता नबी कोई खिलाफ शरीयत काम कर सकते हैं अल्लाह का बरगजीदा बंदा अल्लाह का वली कोई अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अर्जी कर सकता है तो फिर याकूब का यूसुफ के बिछड़ने पर रोना इस बात की दलील है कि कभी कभी फिराक में भी रोते हैं जुदाई में भी रोते हैं तो हम जो ये शहीदों के ऊपर रोते हैं उनकी जुदाई में अपने आका और मौला की जुदाई में रोते हैं हम आज हमारे जिंदा इमाम इमाम जमाना है हम सब का यकीन है हतमी यकीन है जिस तरह से हम जिंदा हैं हमें यकीन है उसी तरह से हमें यह भी यकीन है कि हमारे इमाम जिंदा है परदे गायब में है लेकिन उनकी फिराक में हम रोते हैं कि नहीं रोते हैं उनको याद करके रोते हैं कि कब मौला आप आएंगे कब आपका जोर होगा कब हमें आपकी दीदार नसीब होगी कब हम आपको मिलेंगे आपकी जीारत करेंगे तो ये रोना मुर्दे के लिए रोना नहीं है ये अकीदत से हम रोते हैं ये हम एहतराम में उनकी मोहब्बत में उनकी जुदाई में रोते हैं और ये चीज़ें कुरना हदीस में हैं खुद नबी करीम सलम इमाम के बारे में जब उन्हें खबर दी गई थी याद देखिए आज इस बात को आप सुन लीजिए इमाम हुसैन आसलम को गोद में लेके इमाम मुसैसम गोद में लेके नबी नबीरूल प्यार फरमा रहे थे बोसा दे रहे थे चेहरे का बेशानी का चूम रहे थे जबराइल आय आए, का आए अल्लाह के रसूल अल्लाह ने आपको सलाम कहा है बच्चे की विलादत की मुबारकबादी पेश करते हैं आप जानते जिस बच्चे से आप इतना प्यार कर रहे हैं जिस बच्चे को मोहब्बत में इतना चूम रहे हैं आप इसी बच्चे को आपके उम्मत के बागी ग्रोह जब्रैल नबी को खबर दिया कि के उम्मत के बागी इस बच्चे को कत्ल करेंगे और यकीन वो बागी थे वो मुसलमान नहीं थे मुसलमान होते तो कभी नबी के, के शहीद नहीं कर सकते थे कत्ल नहीं कर सकते थे नबी करीम ने जैसे ही ये बात सुनी कि ज़िब्राइल ने कहा कि आपके बच्चे को जबा किया जाएगा बो का पिपासा नबी करीम चीख मार तारिक ने कर रोए तारिकत एक खामोशी से रोना एक यानी फर्त मोहब्बत में चीख निकल गई कि मेरा ये फूल सा बच्चा खुद दुनिया का खूबसूरत तरीन बच्चा और इसको मेरे मेरे ही उम्मत के लोग बेगुना भूखे प्यासे शहीद करेंगे चीख की आवाज सुनकर रोने की आवाज सुनकर बीबी -बी जहरा दौड़ कर आ, आती हैं बाबा जान आपको क्या हुआ आप क्यों रो रहे हैं क्या मेरे बच्चे में कोई आय है खुदा न खास मेरे बच्चे में कोई कमी है कहा कि अ फातिमा ये दुनिया का बेहतरीन बच्चा है कामिल तरीन बच्चा है इस बच्चे में ना कोई आयब है ना कोई कमी है फिर बाबा आप रो क्यों रहे कहा जब्राहल अमीन मुझे खबर के दिया है जब्राहल अमीन ने अभी बताया है कि मेरे इस करबला के मैदान में मेरी उम्मत के लोग बेगुनाह भूखा प्यासा सभा कर डालेगा तो बीबी जहरा कहने लगी बाबा क्या उस वक्त आप नहीं होंगे आप उन्हें मना नहीं करेंगे क्या आपकी उम्मत आपकी बात नहीं मानेगी कहा कि बेटी ने ये भी बताया कि मैं उस वक्त नहीं हूँ कहा मैं तो होंगी मैं उन्हें रोकूंगी मैं उन्हें मना करूंगी कहा बेटी तुम भी नहीं होगी कहा इसके बाबा अली तो होंगे वो मना करेंगे वो रोकेंगे कहा वो भी नहीं होंगे कहा इसके भाई हसन तो होंगे कहा वो भी नहीं होंगे तब भी बी मिज़ार रोने लगी कहा बाबा आप नहीं होंगे मैं नहीं होंगी इसके बाप नहीं होंगे भाई नहीं होंगे तो फिर मेरे लाल पर रोएगा कौन मेरे लाल का साथ कौन देगा उस वक्त नबी ने रोकर फरमाया मुझे ने ये भी खबर दिया कि उस वक्त मेरे उम्मत के नेक लोग सिर्फ सच्चे लोग मेरे हुसैन के साथी होंगे और वो सब भी शहीद किए जाएंगे वो भी मारे जाएंगे और फिर उसके बाद अल्लाह एक कौम को पैदा करेगा याद रखिए या हमारे लिए फ़खर की बात है कि हम बीबी जहरा की दुआओं का नतीजा है नबी की दुआओं का नतीजा है ज़ब्राइल अमीन ने जो खबर दी नबी को कि क्या कहा नबी ने कि जब्राइल ने मुझे कहा कि अल्लाह एक कौम को पैदा करेगा जो करबला के शहीदों को रोएंगे करबला के बूढ़ों को जवानों को बच्चों को उस कौम के बूढ़े बच्चे औरतें मर्द सब रोएंगे उस वक्त बीबी जहरा ने दुआ दी और एक वादा किया अह बाबा जान आप उम्मत पर इस वक्त गवाह हैं मैं आपको गवाह बनाकर कहती हूँ कि जो मेरे लाल हुसैन पर रोएगा जब तक वो जन्नत में ना पहुंच जाए मैं जब तक उसको बख्शवाना लूं जब तक उसे जन्नत में ना पहुंचा दूं मैं खुद भी जन्नत में नहीं जाऊंगी मैं खातून जन्नत जन्नतू सैदत आलमीन सैदायल जन्नत जिसको शर्फ दिया गया अल्लाह और रसूल की तरफ से वो खातून जन्नत कहती है कि मैं जब तक मेरे बच्चों की आजादारों को जन्नत ना पहुंचा दू मैं जन्नत में नहीं जाऊँगी लिहाजा यह हमारे लिए खुशनसीबी है कि शायद इसी रोने की वजह से अगर हम मारफत के साथ रोए तो ये रोना हमें जन्नत पहुंचा दे मगर मारफत के साथ आइए मेरे दोस्त अजीजों अब जो हम ये आज़ादारी करते हैं क्यों करते हैं वट इज़ आज़ादारी एंड वाई वी डू द आज़ादारी ये आज़ादारी क्या है और हम ये क्यों करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में रवायत और दरायत की रोशनी में बुजुर्गान दीन की तकारीर की रोशनी में मैंने हरूफ तहजदी के लिहाज से यानी अली बा -ता -सा जो छब्बीस हरूफ है इस लिहाज से आज़ादारी के मफो को तरतीब दिया मसला मतलब अलीफ से आज़ादारी के कितने मफोम निकलते हैं बे से आज़ादारी के कितने मफोल निकलते हैं ते से आज़ादारी के कितने मफोल निकलते हैं आप इसको गौर से सुनिए एक पैगाम है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ एक मैसेज जो आपको दे रहा हूँ अगर हकीकत आजादारी को आप जानना चाहते हैं इस मफहम को समझना चाहते हैं जो कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने तश्कील दी तो यकी आप वो बेहतरीन अज़ादार होंगे जिसकी शफात भी बिज़ारा फरमाएँगे जिसकी शफात मौला फरमाएँगे जिसकी शिफात, शिफात अमाम हसन फरमाएंगे खुद नबी जिसे अब जन्नत की बशरत देंगे आइए हम देखते हैं कि आज़ादारी का मफहम या आज़ादारी का मतलब क्या है सबसे पहले मैं आपको ये बता बताना चाहता हूँ कि आज़ादारी के लफ्जी माना क्या है और आजादारी आज़ादारी के लफ्ज़ी मतलब क्या है और आज़ादारी के अतलाही माना क्या है तो आज़ादारी के जो लफ्ज़ी माना बताए गए वो सुन लीजिए कहते हैं आज़ादारी का मतलब ताज़ियत पेश करना किसी का सोग मनाना किसी के दुख दर्द में शरीक होना किसी के गम में मगमूम होना किसी के गम को बांटना ये सब आज़ादारी के लोगा भी माना है लफजी मतलब है और असलाह में आज़ादारी यानी इमाम हुसैन आलाम शहद करबला के ग़म में मकमूम होकर गिरियाजारी करना ग्रिया वो करना अलम उठाना ताज़िया उठाना सीनाजनी करना सिया लिबास पहनना और उनको याद करके नोह मरसिया पढ़ना मजालिस मातम ये जो सब कुछ हम आज़ादारी के नाम पर करते हैं ये असला में आज़ादारी है लेकिन आज़ादारी का असल मकसद या आज़ादारी की हकीकत क्या है दोस्तों मेरे अजीज याद रखिए आज़ादारी असल नाम है मकसद हुसैन की बका का इमाम ने जिस मकसद के लिए अपनी और अपनी फैमिली की क़ुरबानी दी अपने साथियों की कुरबानी दी उस मकसद को हमें समझना है तो आज़ादारी इमाम के मकसद के बका है, इमाम के मिशन को बचाने और उसको पायन तक पहुँचाने का नाम है इसलिए इमाम ने फरमाया था सौफा यकून असाही मनी वो भी मेरे असाब में होंगे जो मेरे शहादत के बाद मेरी मदद करेंगे तो उनसे पूछे कैफ ये तुम मजाक सैद ये मौलाई आपके शहादत के बाद कोई आपकी मदद कैसे करेगा तो आपने फरमाया बे तकमील अहदाफी मेरे मकासद को पूरा करके खत्म हो जाएगा मैं भी नहीं रहूंगा लेकिन हुसैनीत बाकी रहेगी अगर एजीदियत है तो इमाम मुसैन इसीलिए फरमाया था यह नहीं कहा था कि हुसैन यजिद की बात नहीं करेगा इमाम हुसैन ने क्या फरमाया था मिसलीला युबायो मिसलो यह जंग जारी है शैतान और रहमान की यह जंग जारी है अच्छे और बुरे की यह जंग जारी है मिसलीला मिसल यानी जो हुसैनी सिफत वाला होगा इमाम हुसैन का मानने वाला होगा वो कभी को बर्दाश्त नहीं करेगा बातिल को बर्दाश्त नहीं करेगा गलत को बर्दाश्त नहीं करेगा वो कभी गलत काम नहीं करेगा लिहाजा मैं नहीं रहूंगा यजीद भी नहीं रहेगा लेकिन यजीद वाले रहेंगे तो उसमें हुसैनी वाले को भी होना पड़ेगा और यही हमारी पहचान है दुनिया में एजीदियों के मुकाबले में कि हम नासफ़ी को पसंद नहीं करते म और तशद को पसंद नहीं करते बेगुनाहों पर जो जुल्म हो रहा है वो हम पसंद नहीं करते चाहे वो किसी भी धर्म का हो किसी भी मज़हब का हो हम इस्लाम के मानने वाले हैं हम अमन अमान चाहते हैं हम आशती चाहते हैं दोस्ती भाईचारगी चाहते हैं जो हसैन का मकसद था मोहम्मद इस्लाम करवाले में गए थे अमन अमान कायम करने के लिए इंसानियत को बचाने के लिए दीन और शरीय और जो इलाही सिस्टम है उसको बचाने के लिए इस्लाम नाम है शांति का आशती का मोहब्बत के पैगाम का अमन अमान का तो इमाम उस पैगाम को बचाने गए थे लिहाजा अगर हम अपने आज़ादारी के जरिए उस अमन अमान को बरकरार रख सके उस शांति को बरकरार रख सके दुनिया को अमन अमान का पैगाम दे तो ये हमारे आज़ादी बेहतरीन आज़ादारी होगी जो मैं आगे आपके सामने पेश करना चाहता हूँ तो आज़ादारी इमाम की मिशन को पूरा करने का नाम है जिसके लिए आपने मदीना छोड़ करबला तश्रीफ ले गए थे सब कुछ दाव पर लगा दिया अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि उस मकसद को पूरा कर सके जिस पर अल्लाह ने अपने नबियों को भेजा या नबियों के बाद उनके जानशीन इमामों को मुन किया मंतख मुं, किया लिहाजा इमाम वसम के मकसद को मद्द नज़र रख कर हमें आज़ादारी करना है अब हमारी आज़ादारी का जो मकसद है या आज़ादारी का जो मफहम है वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ आप उसको गौर से सुनिए सबसे पहले मैं अलीफ़ से आज़ादारी का मफहम बताना चाहता हूँ तो कुरान हदीस जैसे मैंने कुरान हदीस की रोशनी में अकवाल मासूमी के रोशनी में दरायत और रवायत की रोशनी में मा और बुजुर्गान दीन ने जो हमें आजादारी का मफहम बताया उसके हिसाब से मैंने ये तरतीब आपके सामने तैयार की जो पेश करने जाऊँ सबसे पहले अलिफ़ से आज़ादारी नाम है इजहार मददत का जिसका हमसे मांग की गई कुरान में फुल्लाजरन फिल मुआतफिलकौरबा तो उस मददत को हम अपने आजादारी के ज़रिए पूरा कर रहे हैं आजहार नाम आजादारी नाम है इजहार मददत का आजादारी नाम है अजर रसालत का आजादारी नाम है इजहार इजहार मोहब्बत का कुल उनकन तुम तो हिब्बू अल्लाह में साथ साथ दलील भी देते दे दे कुरान से कुल उनकन तुम तो हिब्बून फतबी अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो रसूल की इतबा करो रसूल की सुन्नत पर अमल करो और नबी ने इमाम हुसैन पर रो कर बताया कि इमाम हुसैन पर रोना बेदत नहीं है तो जाफराम जो ये अकैदा रखता है ईमान रखता है कि मेरे जद को मजलूम शहीद किया गया उससे चाहिए वो मेरे जद को दिन रात याद करे ये जो हम आजादारी करते हैं ये यकीन हमारा क्या मेरे आका मौला को मजलूम शहीद किया गया करबला के मैदान में आजादारी नाम है इंसानियत के बका का आजादारी नाम है इंसाफ की आवाज का आजादारी नाम है इस तनकार और इस इसफार का हम बुराई से नफरत करते हैं जुल्म से नफरत करते हैं और गलत बात को कभी हम सपोर्ट नहीं करते ये हमारे आज़ादारी के दिले से हम दुनिया को बताना चाहते हैं आजादारी नाम है ईसार के जज्बे का आजादारी नाम है इस्लाह इस्ला का हम तस्वीर में नहीं जा सकते आपको हेडलाइन दे रहा हूं अगर में जाऊंगा तो मुझे छब्बीस मजलि से पढ़नी पड़ेंगी कम अज़ कम लिहाजा मैं बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ कि आज़ादारी का मतलब क्या है और हम ये आज़ादारी क्यों करते हैं आजादारी नाम है इतिहाद और इतफाक के साथ जीने के पैगाम देने का आजादारी नाम है इतिहाद और इतफाक के साथ जीने का पैगाम देने का आज़ादारी नाम है पैगाम अमन अमान का आज़ादारी नाम है असरार शहात हुसैन को उजागर करने का आजादारी नाम है उसूल फ़्रो दीन के निचोड़ का आजादारी नाम है अमर बिल बिलमारूफ और नहीं अन मुनकर पर अमल करने का जो इमाम हुसैन का मकसद था यह सब समझना पड़ेगा तब जाके हम सच्चे आजादार बन सकते हैं उसके बाद बेसे आजादारी आजादारी नाम है बातिल को बेनकाब करने का आजादारी नाम है बेदीन और बेधर्म लोगों को दीन हक़ की तरफ दावत देने का आजादारी नाम है बुनियादी इस्लाम को मजबूत और मुस्कम करने का आजादारी नाम है बिदत और खुराफात से दीन को बचाने का न कि बिदत और खुराफात को दीन में शामिल करने का उसके बाद ते से आजादारी नाम है ते से याद रखिएगा एक एक हरफ पर गौर कीजिएगा आजादारी ते से आजादारी नाम है तबलीगो तरवेज दीन का ना नाम है तह तेगदा शुक्र का आजादारी नाम है तमन्ना शहादत का आजादारी नाम है हैदारी और ताबूत उठाने का तशी और तमसील के जरिए और मजलूम की किरदार को पेश करने का नाम आजादारी है आजादारी नाम है तीन दिन के भूखे प्यासों की याद में पानी पिलाने तब्रुन खाना खिलाने नजर व करने का आजादारी नाम है तोहिद की मैसेज दुनिया तक पहुँचाने का आजादारी नाम है तोहिद के मैसेज को सर्कुलर करने का उसके बाद से से आजादारी नाम है सकाफत इस्लाम की नशो इशात का आजादारी नाम है सिकाफत इस्लाम की नशो इशात का आजादारी नाम है सौरतुल हुसैन को फॉलो करने का आजादारी नाम है समरा हयात को राह खुदा में पेश करने का आज़ादारी नाम है समर हयात का अपने समारात को राय राय खुदा में पेश करने का उसके बाद आजाद जीम से आज़ादारी नाम है जज्बात के इज़हार का आजादारी ना, नाम है जिहाद बिन नफ्स का आजादारी नाम है जिहाद हुसैनी का आजादारी नाम है जुलूस आजा और से ताज़ियत बापा करने का आज़ादारी नाम है जिगर गुशा रसूल बतूल को याद करने का आज़ादारी नाम है जवानन जन्नत को सलामी देने का आंसुओं के बदले में जन्नत मोड़ने की नाम आजादारी है आजादारी जन्नती कौन है जहन्नमी कौन है जिम से आजादारी जन्नती कौन है जहन्नमी कौन है यह दुनिया को बताने का नाम आजादारी है ये सारे जहां को बताने के नाम आजादारी है याद रखिएगा उसके बाद से आजादारी नाम है हक की नशो ऐशात का आजादारी नाम है हकीकत दीन व मजहब को आश्कार करने का आजादारी नाम है हक हक का साथ देने का आजादारी नाम है हिकमत इमाम को अपनाने का हुक्म खुदा और रसूल पर, खुदा और रसूल का अमाली जामा पहनाने का नाम आजादारी है आजादारी नाम है हरमत दीन और इस्लाम को बचाने का आजादारी नाम है खेस आजादारी नाम है खराज अकीदत पेश करने का आजादारी नाम है खिदमत खर्क खिदमत दीन हक़ का आजादारी नाम है खुद को मिटा कर दूसरों को जिंदगी देने का खुशनुदी खुदा के और रसूल के लिए काम करने का नाम आजाद है राय खुदा में खून देने या खून बहाने की नाम आज़ादारी है आजादारी अब्दाल से आजादारी नाम है दीन की तरवीज का आजादारी नाम है दीन हक को बचाने का आजादारी नाम है दीन पर आँच न आने देने का आजादारी नाम है के दूसरों के दुख दर्द को महसूस करने का इसलिए इमाम अमाम ने फरमाया दूसरों के दुख दर्द को महसूस करना यह इंसानियत की पहचान है और ना अपना दर्द तो जानवर भी महसूस करता है यह सब मैसेज याद रखना है हमें उसके बाद दाल से आज़ादारी नाम है दुआ जहरा का याद रखियो आज जो हम आज़ादारी कर वो हो बीबी जहरा की दुआओं का नतीजा है आज़ादारी नाम है दीन के बका का आज जो दीन हक बाकी बाकी है यकीन रखिए सबसे ज़्यादा जो दीन हक़ की तरवीज हुई वो आज़ादारी के जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इन्हीं मजलिसों के ज़रिए इन्हीं आश्रा के पैगाम के जरिए उसके बाद जाल से आज़ादारी नाम है जिक्र हुसैनी का आज़ादारी नाम है जिक्र अली औलाद आली अली का आज़ादारी नाम है जिक्र खुदा रसूल का

आजादार के मफहम जो हम आपको बता रहे हैं उम्मीद है कि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे और इस पर अमल भी करने की उसके बाद जाल के बाद रे आजादारी नाम है राह हक पर चलने का आजादारी नाम है भटके हु को रास्ता दिखाने का आजादारी नाम है रजाई रजाईलाई पर राजी रहने का आजादारी आजादारी नाम है उसके बाद रोए आजादारी नाम है रोने और रुलाने का ये सब रे से उसके बाद जे से आजादारी नाम है जीनत तीने इलाही और शरीयत मोहम्मदी का आजादारी नाम है बीबी -बी पुरसा देने का जैनब को तसल तशफी देने का नाम आजादारी है आजादारी नाम है हमारे जिंदगी का याद रखिए आज हम जो जिंदा है जिंदा कौम माने जाते दुनिया में ये हमारी सिर्फ आजादारी की वजह से तो जैसे है आजादारी नाम है जिंदगी का उसके बाद सीन से आजादारी नाम है सबील नजात का आजादारी नाम है सफीनत निजात का इसीलिए इमाम हुसैन के लिए नबी ने फरमाएसैन मिसबा व सफ़ीनत मेरा हुसैन हिदायत चिराग है और निजात की कश्ती है तो आजादारी नाम है सफीनतजात का आजादारी नाम है सुन्नत नवा का आजादी नाम है सुन्नत इलाई का जो हमने बताया कि किस तरह से नबियों की औलाद पर खुदा ने गिरियाहारी करने के लिए हुरो गलमान को भेजे फरिश्तों को मायन किया वो तफसीला है बहरहाल आजादारी नाम है शकीफाए बनी सायदा की राज को फाश करने का आजादारी नाम है शकीफा बनी सायदा की राज को फाश करने का क्योंकि करबला की बुनियाद वहीं रखी गई थी लिहाजा हमारे आजादारी के जरिए वो हकीकत दुनिया के सामने आनी चाहिए उसके बाद आजादारी नाम है सबील लगाने का सबीले जो हम लगाते हैं हमने आपको बताया मुहर्रम का वाक्य बताया कि किस तरह से सबीले लगाकर उस हम अल्लाह के बंदों को खाना खिलाते हैं महरूमों को खाना खिलाते हैं पानी पिलाते हैं आप याद रखिए पानी पिलाने सबील लगाना आज जिसे दत्त कह रहा है आप सही बुखारी उठा के देख लीजिए एक दफ़ा एक शख्स नबी के पास आया शिकायत लेकर किसी की कि नबी अल्लाह मदीने वाले जिस कुआं से पानी भर के पीते हैं आज हमने देखा उस कुएं के पास एक प्यासा कुत्ता था उसको देखकर एक शख्स कुए में उतरा उसके पास कुछ भी डोल नहीं था तो अपने जूते में पानी भरकर ला के उस कुत्ते को पिलाया उसने गुनाह किया हराम काम किया उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने गुनाह नहीं किया बल्कि आज उसने वो नेकी की कि उसके बाद अगर कोई जिंदगी भर कोई नेकी ना करे तो उसके जन्नत जाने के लिए वही काफी है सही बुखार उठा के देख लीजिए बाबू सिखाया कि एक शख्स ने पानी भरकर जानवर प्यासे जानवर को पिलाया तो नबी ने फरमाया उसके बाद अगर वो नेकी ना और मर जाए तो उसके जन्नत जाने के लिए वही काफी है हम तो सभी लगाकर हजारों अल्लाह लग के प्यासे बंदों को पानी पिलाते तो उसका जर क्या हमें नहीं मिलेगा उसके बाद शीन से आजादारी नाम है शहीदों की याद मनाने का उन्हें खराज अकीदत पेश करने का शहीदों के खून को रायदा न जाने देने का नाम आजादारी है आजादारी नाम है शर और शरपसंदों से नफरत और बेजारी करने का या बेजारी का नाम आज़ादारी है शैतान के शिकंजे से बचने और बचाने का नाम आज़ादारी है उसके बाद स्वास्थ से आज़ादारी नाम है सरारत मस्तकम पर चलने का याद रखिए एक एक हरफ से किस तरह से मैंने मेहनत करके तरकीब दी जो समझदार है वो समझेंगे कि कितना कि गहरा मफहम रखता है ये सब आज़ादारी नाम है सरारत मस्तकम पर चलने का मुश्किल घड़ियों में सब्र और तहमुल से काम लेने का नाम आजादारी है मुसीबतों में सब्र और शुक्र करने का नाम आजादारी है सिद्क और सदाकत पर साबित कदम रहने का नाम आजादारी है आज़ादारी है सोम सलाद को कायम करने का नाम आजादारी है सदकों खैरात देने का नाम आजादारी है उसके बाद स्वास्थ्य सब्र सज्जाद सब्र कुलसुम को नमूना अमल बनाने का नाम आजादारी है स -स सलाबत और सलामती के साथ यानी मुश्किल घड़ियों में भी राय हक पर कायम रहने का नाम आजादारी है उसके बाद जुआ से आजादारी नाम है जमीरों को झिंझोड़ने का आजादारी जिनके जमीर मरे हुए हैं या सोए हुए हैं आजादारी नाम है जमीर को झिझो ज... जगाने झिझोड़ने का जलालत और गुमराही से निकल कर नूर हिदायत से मुंसलिक होने का नाम आजादारी है आजादारी नाम है वालीन को हकीकत बताने का जालन कौन है आप जाके जालीन का अदद निकालो खुदा की कसम मुम्मत मुस्लिम के एक ग्रोह है जिसके अदद जालिन का दस से मिलता है वो आप ढूंढ लो वो कौन सा ग्रोह है तो हमने कहा आजादारी नाम है जालिन को हिदायत करने का या जालिन को जलाने का उसके बाद तो इस आजादारी नाम है तर्ज जिंदगी को समझने का आजादारी नाम है तर्ज जिंदगी को समझना और समझाने का आजादारी नाम है ताकत हुसैन दुनिया को बताने का आजादारी नाम है ताकत हुसैन दुनिया को बताने का आजाद अज़ादार, आजादारी नाम है तरीक निजात का आजादारी नाम नाम है तरीक निजा, निजात का उसके बाद जोई से आजादारी आजादारी नाम है जुल्म के मुंह पर तमाचे का याद है आजादारी नाम है जुल्म और जालिम के मुंह पर तमाचे का जुल्म और जालिमीन के खिलाफ एहतजाज करने का नाम आजादारी है जुल्म और जौर को मिटाने का नाम आजादारी है उसके बाद आयन से आजादारी नाम है अस्करीत और असबियत के खात्मे का आजादारी नाम है असर हाजिर में अपनी जिम्मेदारी अखलाकी और जिम्मेदारी को समझने और उसे निभाने का नाम आजादारी है आजादारी आजादारी नाम है खुद आजादारी आयन से है तो आजादारी नाम है इबादत खुदावंदी में जिंदगी गुजारने का आजादारी नाम है आजादारी जैन वुलसूम आजादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बरकरार रखने का वो जो आजादारी वो करके गए वो हमको करना है उसके बाद गायन से आज़ादारी नाम है गदीरी इस्लाम और इस्लाम के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने का गदीरी इस्लाम के ऐलान का आजादारी नाम है गुलामी से निजात का आज़ादारी नाम है दीन के गद्दारों को सबक सिखाने का गयूर एहसास का नाम आजादारी है गायबत इमाम में अपनी जिम्मेदारी पूरे करने का नाम आजादारी है यानी इस वक्त इमाम जमाने के गायबत के दौर में हमें कैसे अमल करना है दिन पर अगर हम उसी तरह से अमल करते रहे तो ये हमारी बेहतरीन आज़ादारी है उसके बाद फे से मैं बहुत जल्दी बात को पूरी करना चाहता हूँ फे से आज़ादारी नाम है फिदाकारी का आजादारी नाम है फिदिया देने का फितना फसाद के खिलाफ आवाज़ उठाने का नाम आजादारी है आजादारी फलसफा शहादत हुसैन को बयान करने के नाम आजादारी अज़ा, है फिर कपरस्तों को नाकाम करने का नाम आजादारी है घर घर फर्श आजाद बिछा कर मसायब बला सुनाने का नाम आजादारी है उसके बाद फिर के बाद काफ से आजादारी नाम है कुर्बानी देने का कातिलों के खिलाफ नारा बुलंद करने का नाम आज़ादारी है कातिलान हुसैन को कैफर किरदार तक पहुँचाने का नाम आज़ाद है कुरानी मैसेज को कुरान के पैगाम को पहुँचाने का नाम आज़ादारी है क्याम अबल इंसाफ क्याम अमन अमान का नाम आज़ादी है आज़ादारी का... काफ से छोटे काफ़ से आज़ादारी नाम है करबला वालों को याद करना या करबला वालों की याद को ताज़ा करने और उनके मिशन को आगे बढ़ाने का नाम आजादारी है कुफर नफाक को मिटाने का नाम आजादारी है लाम से आज़ादारी लहीनों को ढूंढ निकालने का और उन पर लानत करने का नाम आजादारी है आजादारी लहू से दास्तान शहादत लिखने का नाम आजादारी है ये सब गहरे राज है जिसे समझना पड़ेगा तब जाके लोग समझेंगे कि हम ये आज़ादारी क्यों करते हैं और ये आज़ादारी क्या है दो तीन बातें और मीम से आज़ादारी नाम है मकसद हुसैन को पाए तकमील तक पहुंचाने का मकसद हुसैन को पूरा करने का नाम आजादारी है मजहब हक़ को लोगों तक पहुंचाने का नाम आज़ादारी जो आज़ादारी के जरिए हम करते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है तो मजहब अहल बैत और मजहब हक को दुनिया तक पहुंचाने का नाम आज़ादारी है मीम से मातम और मजलिस बपा करने का नाम आज़ादारी है मसाह कर्बो और मजलूमों की दास्तान बयान करने का नाम आज़ादी है मरसिया खानी और जो भी हम आज़ादारी के नाम पर करते हैं कहते ये आज़ादारी आज़ादारी मरने के बाद भी आदमी कैसे जिंदा रहता है वो कर दिखाने का नाम आजादारी है मीम से मरने के बाद भी आदमी कैसा जिंदा रह सकता है कैसे जिंदा रहता है वो करने का नाम आजादारी है उसके बाद मुजलूम करबला को याद करते हैं जो भी हम करते हैं बहरा यहां बहुत तफसी है और अब मुख्तसर करना चाहता हूं नून से आजादारी नाम है नजमुल उमूर का आजादारी नाम है नहजतुल हुसैन पर चलने का आजादारी नाम है नफ्स मतमना को समझने और समझाने का आजादारी नाम है नवाश रसूल के गम में सोग मनाने का आजादारी नाम है एक नमक हराम हरामों को दुनिया के सामने लाने का आजादारी नाम है नस्ल यजीजों को पहचानवाने का आजादारी अब अबाव से आजादारी नाम है वफादारी का आजादारी नाम है विलायत अली के ऐलान का याद रखे आजादारी नाम है वफादारी का आजादारी नाम है वलायत अली के ऐलान का आजादारी नाम है वजुल्ला की बका का आजादारी नाम है वाक़ करबला को आम करने का उसके बाद हेसे और या से दो हरफ और बचे हैं आजादारी नाम है हलकत एजीदियत और हिटलरियत के खात्मा का आजादारी नाम है हिंदा और उसके मानने वालों वाले जो रोजाशुरा को रोजा रखते हैं खुशी मनाते हैं आजादारी नाम है हिंदा और उसके मानने वालों को हकीकत दीन बताने का का या उनको समझाने उन, उनके वो जिन्होंने कलेजा था, उसके कलेजे को हिलाने का नाम अज़ादरी है अज़ादरी ना आजादारी नाम है हमारी पहचान का आजादारी नाम है हमारी बका का आजादारी नाम है हमारी जिंदगी का हमारी वजह फिलकत का नाम आजादारी है जो हमने बताया कि हम शायद बीबी सारा के दुआ से इसीलिए पैदा किए गए ताकि हम अजादारी कर सके और आजादारी के जरिए ये दीन का पैगाम दुनिया तक पहुंचा सके उसके बाद आजादारी नाम है ये आखिरी हरफ आजादारी नाम है की हार के ऐलान का आजादारी नाम है यजीत की हार के ऐलान का याद रखिए दुनिया के दोस्तों जब इलेक्शन में कोई पार्टी जीतती है तो जीतने के बाद वो जुलूस निकलता है जो हार जाता रह है वह चुपचाप बैठ रहे हैं आप जानते दुनिया का दोस्तूर है जुलूस वही निकलता है जो जीतता है लिहाजा यह हमारी जो मुहर्रम के जुलूस है इस बात की दलील है कि करबला में इमाम हुसैन जी जीते थे यजीद जीत नहीं जीता था जिसकी जीत हुई थी वो इमाम हुसैन अल्सामते थे, थे तो कहते हैं आज़ादारी नाम है यजीद की हार के ऐलान का यजीदियों के खातिमा का यादगार फ़तः हुसैनी के नाम आज़ादारी है यकीन कामिल के सबूत के नाम आज़ादारी है ए के साथ हमदर्दी और उन पर रोने और तर्स खाने का नाम आजा आजादारी है आजादारी आखिरी आजादारी नाम है योम आशूरा को ये से योम आशुरा को याद रखने का जिस दिन पूरी दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम बरपा करते हैं लोग और इमाम हुसैन के पैगाम दूसरे दुनिया तक पहुँचाते हैं तो याद रखिए हमारा या आखिरी पैगाम था कि आजादारी यानी ये से योम आशूरा को याद रखिए कुल्ल अर्दिन कर बला योमिन आशूरा ये जो नारा दिया गया ये हमारी हिदायत के लिए हमें जगाने के लिए क्या अगर तुम महसूस करो तो हर दिन तुम्हारे लिए आशूरा के दिन है जालिमों के मुकाबले में और हर जगह हर जमीन जहां तुम बसे हुए हो अगर वहां नाइंसाफी हो रही वहां जुल्म हो वहां हो रहा है तो वो जमीन तुम्हारे लिए करबला की जमीन है और अगर तुम करबला में हो और इमाम हुसैन के साथ हो तो तुम्हें वहां जुल्म के खिलाफ खड़े होना है म के खिलाफ बोलना है और अगर खामोश रहे तो तुम्हारा शुमार किन लोगों के साथ होगा वो इमाम ने खुद अपने खुदबे में फरमाया कि किफा सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है बल्कि मेरे नजर में हर वो जगह जहां हो और लोग खामोश रहे वो शहर कोफा है और वहां के रहने वाले कूफी है तो हमने अगर नाइंसफी खिलाफ जुल्म के खिलाफ बातिल के खिलाफ आवाज ना उठाया तो कहीं खुदा ना करे हमारा शुमार भी उन लोगों के साथ ना हो जिन्होंने हक को छुपाया जिन्होंने म जुन्हों किया जो करबला के जिम्मेदार है अल्लाह हमें उसी तरह से आज़ादारी करने की तोफ़ी दे जिस तरह से कुरान हदीस में रवायत में मासूमिन ने हमें बताया याद रखिए मेरे दोस्तों यह आज़ादारी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है जहाँ से हम दुनिया को हक की तरफ अमन अमान की तरफ इंसानियत की तरफ दावत देते है। आज इमाम मुसैन आसम के बारे में मौका नहीं रहने उनको बताता कि दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स ने चाहे वो किसी भी धर्म का हो इमाम की जा से इतना मुतासर हुए कि वो कहने पर मजबूर हुए कि आज दुनिया में जो इस्लाम बाकी है वो सिर्फ हुसैन की कुर्बानी के नतीजे में अगर हुसैन कुरबानी देकर इस दीन को इस्लाम को और हकीकत इस्लाम को ना समझा के जाते तो दुनिया में शायद कोई सच्चा मुसलमान होता और शायद ही इस्लाम होता और आज भी यूनाइटेड नेशन यूएनओ के जो जनरल सेक्रेटरी कुफियान उसकी बात पढ़ लीजिए आज भी वो कहता है कि अगर दुनिया इमाम हुसैन और उनके फादर मौला अलीम की तर्ज जिंदगी को अपनाए और जिस तरह से अली ने अपने दौर हुकूमत में लोगों के साथ इंसाफ किया रवादारी की सबको बराबर का इंसाफ़ दिया अगर मुसलमान हुकूमतें वो काम करे तो फिर से पूरी दुनिया में सिर्फ एक उम्मत होगी या एक दिन होगा और वो दीन इस्लाम लेकिन अफसोस ये है कि लोगों ने ना इस्लाम को समझा ना माना ना इस्लामी पैगाम पर अमल किया जिसके वजह से आज गैर मुस्लिम इस्लाम और मुसलमानों के मुतिक ग़लतफ़हमी के शिकार हुए अल्लाह में तोफीक दे कि हम आज़ादारी को समझ सकें और दुनिया को समझा सके